सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब से उन्होंने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है, तब से हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और समूचे देश में अलग अलग तरीके से मामला दर्ज करवाया जा रहा है। और इसी कड़ी में ठाणे जिले के कल्याण हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ, और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उन्होंने कोलसेवाड़ी पुलिस से की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में बतौर मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को एक कार्यक्रम के दौरान ये बोलते हुए सनातन की धर्म की जो तुलना है वो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से कर दी थी, और उसके बाद से ही देश की सियासत में भूचाल आ गया। उनका ये बयान सामने आते ही गहमा गहमी देखने को मिली राजनीतिक हलकों में, और अपनी टीवी स्क्रीन पर एडवोकेट शिवानंद पांडे के नेतृत्व में सकल हिंदू समाज ने मोर्चा खोल दिया है अब उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ। समय समय पर सनातन धर्म को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, ऐसी मांग लेकर एडवोकेट शिवानंद पांडे अब अनशन पर बैठ गए हैं, और उन्होंने कल्याण के कुलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो एडवोकेट शिवानंद पांडे की ओर से कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बच्चा है, बच्चा बोला जाएगा उसको, उस बदमाश ने हिंदू सनातन धर्म, डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह है, इसका सर्वनाश होना चाहिए, ऐसा व्यक्त तो हुआ था। इस विषय के लेके हमने 4 तारीख को माननीय सीनियर PI कोलसेवाड़ी को एक अर्ज दिया था कि इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, 4 दिन के अंदर आप गुनाह दाखिल नहीं करोगे तो हम साकली उपोषण को बैठने वाले हैं। हम लोग उस विषय पे सुबह से साकली उपोषण में बैठे हुए हैं। कुछ प्रतिष्ठित यहाँ के जो समाज सेवक हैं उनके माध्यम से गुना दाखिल हो चुका है 295A और 235A के 153 के ए के अगेंस्ट में, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा माननीय हाईकोर्ट मुंबई के द्वारा स्टैलियन को हाईकोर्ट मुंबई में लेके आने का। आपकी मदद सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से हमारी एक ही मांग रहेगी, कोई भी